ग्राम पंचायत खैरलांजी सरपंच द्वारा कार्य एजेंसी बदलने को लेकर जनपद सीईओ को सौंपा गया ज्ञापन। जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरलांजी में 15 वित्त आयोग अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना 2022-23 हेतु जनपद पंचायत खैरलांजी में बीसी रूम निर्माण कार्य, पार्किंग सेट निर्माण कार्य, सामुदायिक भवन विस्तारीकरण कार्य, स्टोर रूम निर्माण कार्य, जनपद पंचायत परिसर बाउंड्री वाल निर्माण कार्य, सभी निर्माण कार्य की लागत 33,14,900 रुपये स्वीकृत हुआ है। लेकिन विभिन्न कार्यों में कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत सालटेका को बनाया गया है। वहीं खैरलांजी ग्राम पंचायत की सरपंच ज्योति नकपुरे द्वारा कार्य एजेंसी बदलने जाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरी शंकर डहरिया को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं सभी स्वीकृत निर्माण कार्य करने को लेकर खैरलांजी ग्राम पंचायत को एजेंसी देने की मांग की गई है। वहीं जनपद अध्यक्ष आशू गुणाराम बघेले ने दूरभाष पर जानकारी बताया कि पूर्व में जनपद से शौचालय निर्माण, CLF भवन निर्माण, वाटर कूलर, RO लगाने के लिए खैरलांजी पंचायत को कार्य एजेंसी बनाया गया था, लेकिन सभी कार्य अधूरे हैं। वहीं बताया गया कि वर्तमान में जनपद पंचायत में कार्य निर्माण कार्य को लेकर जनपद पंचायत द्वारा सालटेका ग्राम पंचायत को कार्य एजेंसी बनाया गया है। आज जो जनपद पंचायत में आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया, क्या मामला है? सर, इसमें ऐसा है कि जो यहाँ पर कार्य चालू होने वाला है जनपद के द्वारा, उसमें दूसरे पंचायत को काम दिया जा रहा है, ना कि हमारी पंचायत को। इसके लिए आए थे। कितने लाखों का काम है सर? ये लगभग 33 लाख का है। जिसमें क्या क्या काम है इसमें 33 लाख में? सर, गट्टू वगैरह का है और अदर काम है। तो आपका कहना है कि यहाँ खैरलांजी पंचायत को एजेंसी बनाया जाए? हाँ जी, खैरलांजी का ही काम है सर, दूसरी पंचायत क्यों करेगी। इसलिए हम लोग ये चीज़ चाह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र का काम है तो हमें मिला जाए। क्योंकि सीओ साहब से चर्चा हुई तो क्या बोले सीओ साहब? सीओ सर ने तो हमें आगे कलेक्टर सर के पास जाने बताए हैं। सर, देखते अभी क्या होता है। नरेश जी, जो आज ग्राम पंचायत खैरलांजी के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया, मामला क्या है? आज जो ज्ञापन सौंपा गया है, ये मामला ऐसा है कि जनपद पंचायत द्वारा सामान्य सभा की बैठक में खैरलांजी जनपद पंचायत के परिसर को सौंदर्यीकरण करने के लिए जनपद सदस्यों द्वारा 33 लाख रुपए का फंड दिया गया। पूरे लोगों की सहमति से यह फंड दिया गया था, सारे जनपद सदस्य इसमें शामिल थे। लेकिन जब कार्य एजेंसी बनाने की बात आई तो यह कार्य एजेंसी जब आई तो अध्यक्ष जी ने अपनी मर्जी से कार्य एजेंसी बताया, किसी जनपद सदस्य को उसमें सम्मिलित नहीं किया। हमें भी ऐसा लगता है कि खैरलांजी पंचायत लोकल की पंचायत है, जनपद पंचायत जहाँ स्थित है वह भी खैरलांजी पंचायत का परिसर है, तो खैरलांजी को ही यह काम देना चाहिए। ऐसी मांग मुझे इनकी मांग जायज लगी और इस मांग को लेकर ये लोग मेरे पास आए और मैं सीओ साहब के पास गया। सीओ साहब ने कहे कि आप कलेक्टर महोदय के पास जाइए, इसका समाधान वहीं निकल सकता है। ये वाली बात आगे की कार्रवाई आप कलेक्टर साहब के पास? आगे की कार्रवाई कलेक्टर साहब करेंगे। इसमें सीओ साहब ने बोला कि इसमें मद जारी हो गया है, अगर साहब रुकवाना चाहे तो रुकवा सकते हैं, कि एजेंसी बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जो Oh.